नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जिसमें काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि इस स्टॉक्स के बारे में बताइए क्या करना है। तो इस वीडियो में हम उस स्टॉक के फंडामेंटल्स को भी जानेंगे और लेवल्स और टारगेट को भी जानेंगे, क्या सपोर्ट है और क्या लेवल्स और टारगेट पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो शेयर है हमारा जीएमएम फॉडलर। दोस्तों जीएमएम फॉडलर की बात करें तो ये 7000 रुपीज का स्टॉक्स देख सकते हैं, अभी आपको आधे प्राइस पे मिल रहा है 3767 पे। तो इसका कारण है कि इसमें जो प्रमोटर्स का स्टेक सेल हुआ है, जिसके कारण इसमें भारी गिरावट आया। प्रमोटर्स जो ओएफएस के थ्रू, ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपना जो होल्डिंग्स सेल किया उसका कुछ परसेंटेज, तो वो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस 3500 रुपीज पर सेल किया, जिसके कारण इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी। मतलब ये स्टॉक एक तरह से क्रैश हो गया। देखते हैं यहाँ से रेड कैंडल ही आपको दिखेगा, यहाँ से लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ ये स्टॉक्स आ चुका था यहाँ से 3450 रुपीज़ तक। तो दोस्तों काफ़ी, मतलब ये स्टॉक्स जो है नीचे के प्राइस पर आपको मिल रहा है अभी। अगर स्टॉक्स फंडामेंटली कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैनेजमेंट बार-बार अगर आप मैनेजमेंट का इंटरव्यू कहीं सुनते हैं, कमेंट्री कहीं सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसे भी हम ऑक्यूपाई कर चुके हैं, मतलब जो जीएमएम फॉर्डर अपने पेरेंट कंपनी को भी खरीद चुका है। तो वैसे में काफ़ी बेहतरीन न्यूज है, स्टॉक्स को काफ़ी सपोर्ट करेगा अब ये। लेकिन अगर फंडामेंटली कोई भी दिक्कत होता है तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर बात करें इस स्टॉक के प्राइस का, तो अभी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस प्राइस पर। लेकिन आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो 3400 है, 3400 आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल ये बनाना शुरू किया है। और अगर यहाँ बनाते हुए अगर ये 4100 के ऊपर जाता है, तो ऊपर का एक मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 3400 होगा, और उस स्टॉप लॉस के साथ चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। अगर बात करें लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है स्टॉक ने। लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है ये स्टॉक्स, लगातार अप ट्रेंड में। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो अभी वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि स्टॉक किस तरह का मोमेंटम दिखाता है, क्योंकि मार्केट भी लगातार अप ट्रेंड में है। और अभी जो है निफ्टी हमारा 12000 के आसपास है, जहाँ पे काफ़ी रेसिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी को 12000 के ऊपर जाने में। तो वहाँ पर से अगर ऊपर निकलता है निफ्टी, तो काफ़ी ज़्यादा सारे शेयर्स में आपको तेज़ी देखने मिल सकता है। तो इसलिए वेट एंड वॉच कीजिए, चाहे आप स्टॉप लॉस के साथ चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मार्केट पर भी डिपेंड करेगा, मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है वो सारे स्टॉक्स को, अगर ऊपर जाता है मार्केट तो सारे स्टॉक्स में मूवमेंटम आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं वीकली चार्ट पर ये अपना इस वीक ग्रीन कैंडल बना चुका है ये स्टॉक्स। तो यहाँ पर आप कैप्चर करते हैं तो काफ़ी लो प्राइस पे आपको मिल रहा है स्टॉक्स, तो आप चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्ट करना SIP मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट मतलब सपोर्ट है वो 3500 है, तो 3400 पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि उसको प्राइस रेंज को ब्रेक करता है तो एक भारी गिरावट इसमें आ सकती है। तो ऊपर का जो टारगेट की बात करें, तो टारगेट तो इसका देख सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो ये 7000 फर्स्ट इसका मतलब टारगेट होगा, उसको क्रॉस करता है तो ऊपर एक बड़ा मोमेंटम आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिल सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस जैसे जैसे ऊपर जाएगा ट्रेल करते जाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे तो कभी भी एक बड़ी गिरावट आती है तो आप जो अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स को जान लेते हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव आया है उसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन देख लीजिए 5000 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है, और फेस वैल्यू इसका 2 रुपीज है, और डिविडेंड जो है 250% का डिविडेंड है, तो डिविडेंड भी काफ़ी शानदार है। अर्निंग पर शेयर देख लीजिए 43.67 रुपीज़ का है, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी बेहतरीन है। तो सारी चीज़ें कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। अगर बात करें हम कॉर्पोरेट टैक्स का, तो कंपनी जो है डिविडेंड लगातार पे की है, देखते हैं 1, 2, 3, 5 टाइम्स पे कर चुका है डिविडेंड 2020 में, 2019 में भी 4 टाइम्स ये पे कर चुका है डिविडेंड। यहाँ भी मोर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, मनी कंट्रोल वेबसाइट पा करके इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, देखते हैं 75% प्रमोटर्स का होल्डिंग था जून क्वार्टर में, जो कि ऑफर फॉर सेल के तहत इन्होंने सेल किया, और आप प्रमोटर्स का जो होल्डिंग बचा है 54.95%। तो इसी प्रमोटर्स के सेल के कारण जो डिस्काउंटेड प्राइस पे हुआ, जिसके कारण स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, और जो भी ऊपर के प्राइस
प्राइस रेंज पे बाय किए थे वो सारे के सारे ड्रेप हो चुके हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कंपनी के प्रमोटर्स पे जो है लगातार ध्यान बनाए रखिए कि कंपनी का प्रमोटर्स का जो बिहेवियर है वो स्टॉक के प्राइस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद करें फाइनेंशियल की बात, तो फाइनेंशियल जो है कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 26 करोड़ का प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर में, वहीं जो सितंबर 2019 में प्रॉफिट था मात्र 20 करोड़ का था, तो प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है। वहीं बात करें हम सेल्स में तो 153 करोड़ था 2019 सितंबर में, जो बढ़कर हो गया 186 करोड़ सितंबर 2020 में, तो सेल्स में भी काफ़ी वृद्धि हुआ है। वहीं बात करें हम एनुअल में तो एनुअल बेसिस पर देखने प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है। 2016 में मात्र 20 करोड़ था जो कि मार्च 2020 में 71 करोड़ हो गया, तो प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है। सेल्स में भी 292 करोड़ से बढ़कर के हो गया 591 करोड़ सेल्स, तो सेल्स में भी काफ़ी जंप है। तो सारे के सारे जो पैरामीटर्स है कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। फंडामेंटल्स के आधार पर बात करें तो अब हम बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट, तो नीचे चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट देख लीजिए। रिजर्व और सरप्लस जो है कंपनी का 268 करोड़ है जो कि लगातार बढ़ते गया है रिजर्व कंपनी का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, तो जो कि मतलब डेट फ्री होने का मतलब कंपनी पर डेट जो है बिल्कुल जीरो है, तो एक तरह से वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है। तो फंडामेंटली सारे पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं। तो ये था स्टैंड लोन। अब हम कंसोलिडेट देख लेते हैं कंसोलिडेट रिजर्व और सरप्लस कितना है, क्योंकि वो तो हमारा स्टैंड लोन था। जब कंसोलिडेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए रिजर्व पर जो सरप्लस है 340 करोड़ है जो कि लगातार बढ़ते गया है, और डेट देखें तो जो डेट है कंपनी का वो लगभग जीरो है। तो कंपनी का डेट जीरो है, तो सारे के सारे पैरामीटर्स काफ़ी बेहतरीन है। और जो भी आपको देखना हो तो आप नीचे जा कर के देख सकते हैं। जो कंपनी का कैश और कैश इक्विवेलेंट है 76 करोड़ है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स है कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है, और टेक्निकली कंपनी का जो प्राइस है अभी अपने सपोर्ट 3500 के आसपास है। तो आप स्टॉप लॉस के साथ चाहे तो पोजिशनल ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, साथ साथ चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।